वीसी प्लस प्लस के कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो वीसी प्लस प्लस में वीसी प्लस प्लस का बेसिक यूज हम करते हैं विंडोज प्रोग्रामिंग में। यानी कि अगर हम बात करें कि सी के द्वारा सी के जो डिसएडवांटेज थे सी सी प्लस प्लस के, जो हम जीयूआई यूज नहीं कर पाते थे उसमें या ग्राफिक्स का यूज नहीं कर पाते थे, वो सारी चीजों को सॉल्व कर देता है वीसी प्लस प्लस। क्लियर है? तो सी के ही वो सारी जो हमारे फीचर्स थे सी के फीचर्स के साथ, सी और सी प्लस प्लस के फीचर्स के साथ हम विजुअल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं वीसी प्लस प्लस में। यानी कि जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से बोलेंगे हम ऐसा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जिसमें माउस चलता है और क्लिक करके काम होता है, हमें डेटा को टाइप करके या कमांड को टाइप करके काम नहीं करना होता है। तो वीसी प्लस प्लस में एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है उनके कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स जो हैं वीसी प्लस प्लस के, वही हमें हेल्प करते हैं विंडोज़ प्रोग्रामिंग करने के लिए। कुल मिला के वीसी प्लस प्लस को विंडोज़ प्रोग्रामिंग के नाम से भी जाना जाता है, विंडोज़ की प्रोग्रामिंग के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है ये। तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम देख लेंगे कि जैसे हम टूल्स में जाएंगे ना, तो विजुअल कंपोनेंट मैनेजर आपको डिस्प्ले होता है, ये हम देखेंगे बाद में। कंपोनेंट्स के बारे में आगे देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसमें। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी। एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी जो होती है वो आपकी वीसी प्लस प्लस की एमएफसी के अंदर होती है। एमएफसी क्या मतलब? पार्ट है ये। एमएफसी कई सारी चीज़ों से मिलके बने, एमएफसी ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि कलेक्शन है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का और फंक्शंस का कलेक्शन है। यानी कि एमएफसी अगर आप ले आते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपको उससे रिलेटेड, विंडो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है, एक प्रकार से पैकेज जैसा ही है। तो उसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है ATL, एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी। इसको आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और एक्टिव एक्स कंट्रोल्स इसमें बहुत सारे मिलते हैं, बिल्ट इन एक्टिव एक्स कंट्रोल। अब एक्टिव एक्स कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं? जैसे हमारा बटन हो गया, लेबल हो गया, और कमांड बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ों की लाइब्रेरी हमको इसमें मिलती है। क्लियर? उसके बाद MFC का जो यहाँ पे पूरा नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लास लाइब्रेरी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लासेस बनी हुई हैं जिनका हेल्प लेकर के हम विंडोज़ की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे हमें फॉर्म बनाना है, कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए पहले से क्लास बनी हुई है, और हम उनकी हेल्प से या उनका ऑब्जेक्ट बना करके अपने विंडोज़ प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जो है ये प्रोवाइड करता है आपको। फ्रेमवर्क होने से आप काफ़ी इजी तरीके से किसी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा मिलती है। ये एक एग्जांपल है फ्रेमवर्क के जैसे का। फ्रेमवर्क मतलब पहले से बनी बनाई चीज़ होती है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम अपना ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं, यानी बना बनाया टेम्पलेट होता है ये, और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क भी हमको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का एक एग्जांपल दिया है। जैसे यहाँ पर आप कोड देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एक कोड दिख रहा है, ये कोड जो है आपके फॉर्म बनाने का कोड है। यानी कि आपको अगर एक फॉर्म बनाना है तो ऐसा क्लास बनाना होता है, उसमें कंस्ट्रक्टर बनाना होता है, कुछ वेरिएबल्स बनाने होते हैं। आप जैसे ही इसके फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे तो ये कोड आपको करके मिल जाएगा, मतलब ये कोड खुद ब खुद जो है इसका फ्रेमवर्क करके दे देता है आपको। तो आप यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और माउस की सहायता से आप जैसे ही इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो आपको अपना कोड किया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और इस प्रोजेक्ट में आप देख पा रहे हैं कि DLL कंपोनेंट लेना है। यार मैं फिर से इसको बंद करके आपको दिखा देता हूँ नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके कि कैसे हम यहाँ पर कोड हमको मिलता है। तो VC++ हम ओपन कर लेते हैं, VC++ ओपन करने के बाद जब हम यहाँ पर न्यू जाएंगे और प्रोजेक्ट में जा कर के हमको यहाँ पर
एमएफसी एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिखा वन और सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस और फिनिश कर दिया। ये हमारा तैयार हो जाता है। ये तीन तरीके के व्यूज हैं जो व्यू हमको मिल रहे हैं। और आप यहाँ पर इंसर्ट में जाकर के फॉर्म इंसर्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे फॉर्म का नाम रखता हूँ माई फॉर्म। देखिए माई फॉर्म आप जब बना रहे हैं तो फाइल क्या बन रही है, माई फॉर्म डॉट सीपीपी, यानी सीपीपी फाइल बन रही है, यानी कि सी प्लस प्लस की फाइल बन रही है। जबकि डिस्प्ले क्या हो रहा है, फॉर्म। अब फाइल व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा माई फॉर्म डॉट सीपीपी, और इसके अंदर देखिए आपको ये बना करके पहले से दे दिया गया है। माई फॉर्म में डिस्ट्रक्टर बन गया, माई फॉर्म में एक कंस्ट्रक्टर बन गया, और यहाँ पर कुछ कमेंट भी लिखा है कि आप अपने कंटेंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सब जो है पहले से हेडर फाइल्स इंक्लूड हो गई हैं, माई फॉर्म डॉट एच और वन डॉट एच और कुछ और यहाँ पर सारी चीज़ें जो इंक्लूड हुई हैं, ये सब ऑटोमेटिक जो काम हुआ है वो काम किया है हेडर फाइल्स में, हेडर फाइल में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं माई फॉर्म डॉट एच, ये जो हेडर फाइल है इसमें कुछ चीज़ों को पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है, और कई सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि पहले से बनी बनाई आपको मिल जा रही है। ये सब क्या हो रहा है फ्रेमवर्क की वजह से। अब ये है कि थोड़ा सा इसका कोड को समझना थोड़ा टफ रहता है, इसको आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्लियर है। लेकिन सी से ही जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ करते हैं विंडोज़ में, जैसे एमएस वर्ड में आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, कोई ऐप यूज़ करते हैं, तो उनके पीछे ये सारी कोडिंग सी लगी होती है। ऐसी कोडिंग्स को करने के लिए जैसे कोई विजुअल बेसिक है, तो विजुअल बेसिक बना कैसे होगा, इसी सब चीज़ों से ही बना होगा, डायरेक्ट कोई विंडो एप्लीकेशन पर नहीं जा पाते हैं। देयर तो यहाँ पर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा जो माई फॉर्म बना है इस पर हम कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, इसको एक्टिव एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। तो कंपोनेंट ऐड करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, अब इसको मैंने डिलीट कर दिया है। व्यू में जाएंगे हम लोग और व्यू में वर्क स्पेस आउटपुट ये सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर कंपोनेंट ऐड करते हैं। देखिए एक्टिव एक्स कंपोनेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्टिव एक्स कंपोनेंट जो है वो आपका सारे कंट्रोल्स को दिखाता है, एक्टिव एक्स कंपोनेंट या एक्टिव एक्स कंट्रोल्स। तो यहाँ पर चॉइस बॉक्स है और आपको यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड कंट्रोल्स चाहिए, जैसे ऑफिस आउटलुक से रिलेटेड बहुत सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, पिक्चर क्लिप से के भी है, प्रोग्रेस बार है, ठीक है, प्रोग्रेस बार को भी आप कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए तो ये ऐसा ऐड हो जाता है देखो। और आपने देखा होगा ये कोई चीज़ हम डाउनलोड करते हैं तो ऐसा लोड होता है, क्लियर है। इसके ऊपर फिर कैलेंडर कंट्रोल है, आपका कैलेंडर ऐड हो जाएगा। फॉर्म को और बड़ा कर देते हैं ताकि और कंट्रोल्स हम यहाँ पर देख पाए। कुछ कंपोनेंट्स के नाम या एक्टिव एक्स कंट्रोल के नाम हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं और उनको देख भी लेते हैं कि वी सी प्लस प्लस में, असल में देखिए ये सी प्लस प्लस का कोड है, और आप फाइल व्यू में जा रहे होंगे तो आपको माई फॉर्म में यहाँ पर सब दिख रहा होगा कि सी प्लस प्लस का कोड यहाँ पर करते जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर आपको वन डॉट रिसोर्स और हेडर फाइल्स में भी दिखेगा आपको, क्लियर। तो रिसोर्स व्यू में भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डायलॉग को ओपन किया, इसमें क्या होता है कि हमको अगर कोई भी चीज ऐड करनी है तो उसमें इस तरीके से मेंबर फंक्शन का नाम और उसकी ऑब्जेक्ट आईडी से काम करना होता है, क्लियर है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट आईडी का बात करूं तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और इवेंट भी यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं।
प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट मिलेगी, और आप यहाँ पर पिक्चर जो कि नन है इसको सेट कर सकते हैं। पिक्चर को कोई पिक्चर अगर आपको लेना है, जैसे मैं यहाँ पर लोगो बना के रखा था, या फिर डेस्कटॉप से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। या फिर आपको बीएमपी इमेज लेनी होगी, बीएमपी इमेज आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं बीएमपी इमेज एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। बीएमपी इमेज को सपोर्ट करता है, जेपीजी वगैरह को ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर मैं बीएमपी इमेज कैसे बनाएंगे, हम लोग कोई भी पिक्चर को लेते हैं, पिक्चर को यहाँ पर जैसे मैं बीएमपी में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन किया, इसको मैंने बीएमपी में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए जब मैं इसको सेव करूँगा तो डेस्कटॉप में मैं इसको बीएमपी इमेज बीएमपी ले लेंगे इसको, क्लियर है। बीएमपी इमेज को सेट करने लोग इसको सेव करते समय डेस्कटॉप पे बिट मैप इमेज 16 बिट या 256 कलर बिट मैप इमेज ले लेते हैं। तो ये हमारी बीएमपी इमेज आ गई है, और बीएमपी इमेज को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, डेस्कटॉप से ले सकते हैं किसी बीएमपी इमेज को। तो यहाँ पर ये जो हमारी बीएमपी इमेज है वो सेट हो गई है। रन करने पर हमको ये दिखाई देगा बीएमपी इमेज के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार के फॉर्म है, किसको रन करना है आपको पूछ रहा है, पूछा जा रहा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। देखिए ये फॉर्म रन हो रहा है और यहाँ पर इमेज आ रही है, यहाँ चेक बॉक्स आ रहा है, यहाँ लेबल आ रहा है, यहाँ पर कैलेंडर आ रहा है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं ये VC++ का कोड है, न कि विजुअल बेसिक का, सी के कोड से आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सी के द्वारा ग्राफिक या विंडोज प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इनके कंट्रोल्स के बारे में हम देख रहे थे कि क्या क्या कंट्रोल्स हैं। तो आगे हम देख पा रहे थे कि ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क का एग्जांपल। फ्रेमवर्क मतलब आईडी जैसा ही है, मतलब जिसमें आपको बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी, आप उसमें मॉडिफिकेशन करके अपना फॉर्म बना सकते हैं। पूरा फॉर्म की कोडिंग फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बना बनाया फॉर्म है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करिए, आपको अपना काम मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रोग्राम के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे विन मेन फंक्शन। ये फंक्शन जैसे C++ में void main होता है, वैसे ही VC++ में win main फंक्शन होता है। जब हम विंडोज प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो सबसे पहला जो फंक्शन कॉल होता है वो होता है win main। तो आपको थोड़ा सा बस ये सिंपल सी चीज़ है, void main की जगह पे win main आ गया है, और ये सबसे पहला फंक्शन है जो VC++ का कंपाइलर कॉल करता है। तो win main फंक्शन कंपलसरी है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको विन मेन फंक्शन मिल जाएगा। जब मैं क्लास व्यू देखूंगा तो जो आपको विन मेन फंक्शन है मेन फ्रेम, इसमें मिलेगा विन मेन, ठीक है। या फिर इसमें जाएंगे तो आपको मेन यहाँ पर कुछ क्लासेस भी बने रहती है जिनको आप ओवरराइड कर सकते हैं। कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है, जैसे यहाँ पर फ्रेम बनाने के लिए क्लास है, फॉर्म बनाने के लिए क्लास है, और ये जो क्लासेस बनी है ये एडवांस वर्जन में आपको मिलेगी। जैसे VC++ का एडवांस वर्जन आ गया 2013 वगैरह, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल VC++ के 6.0 वाले वर्जन को जो आपके सिलेबस में है वो दिया हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेमिंग कन्वेंशन। आपको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना होता है VC++ में, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है, तो ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को उनके नाम से ही पहचाना जाता है। तो उनके नाम से ही हमको पता चल जाना चाहिए कि वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है। नेमिंग कन्वेंशन की बात करें, जैसे कि मैं आपको एक नेमिंग कन्वेंशन का एग्जांपल बताता हूँ। अगर किसी कॉलेज में बहुत सारे क्लासेस चलती हैं, किसी स्टूडेंट का मैं रोल नंबर ऐसे रखता हूँ BCA
102, तो मुझे उसके रोल नंबर से ही पता चल जाएगा कि ये BCA का स्टूडेंट है। मैं किसी का रोल नंबर ऐसे रखूँ या रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा रखूँ DCA 105, यानी कि मुझे पता चल जाएगा कि ये DCA का स्टूडेंट है। तो उसी प्रकार से नेमिंग कन्वेंशन रखा जाता है। मुझे कि ऑब्जेक्ट ID लिखी हुई है और ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अगर आप मल्टीपल रिसोर्स टाइप का यूज़ कर रहे हैं तो IDR लिखेंगे आप और अंडरस्कोर करके फिर उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है IDD Dialog 1, तो IDD से पता चल जाता है कि वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने अब आपको बताया कि BCA लिख करके फिर 102 लिखते हैं, तो इससे पता चल रहा है कि ये BCA का रोल नंबर 2 का स्टूडेंट है। अब और भी एक्सप्लेन करना है तो इसलिए उसको नेमिंग कन्वेंशन में रखा जाता है। बिट मैप रिसोर्स है तो IDB लिखा जाता है, स्ट्रिंग है तो IDS लिखा जाता है। क्लियर है? तो किसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए IDS स्टूडेंट नेम, IDS फादर्स नेम, ऐसा स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। तो ये नेमिंग कन्वेंशन है कि अगर जो डेटा टाइप या जिस टाइप का ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके आगे ये सारे वर्ड्स को आप ऐड करेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रोग्राम का एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है तो मैं प्रोजेक्ट में जाऊँ, फाइल में जाऊँगा, न्यू में क्लिक करूँगा, प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन MFC एप्लीकेशन विजार्ड EXE सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट का नाम एंटर करके ओके करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट का विंडो डिस्प्ले होगा और इसमें हमको MFC एप्लीकेशन में यहाँ पर नाम लिख करके ओके करना है। ऐसा करने के बाद हमें सिंगल डॉक्यूमेंट और मल्टीपल डॉक्यूमेंट के लिए पूछा जाएगा कि आपको सिंगल डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन विजार्ड तैयार करना है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन विजार्ड तैयार करना है। तो आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल सिंगल डॉक्यूमेंट लिया गया है ताकि एक ही विंडो पर सारे काम हो पाएँ। इसके बाद आपको और भी जानकारी पूछी जाएगी, जैसे डेटाबेस आदि का यूज़ करना है कि नहीं। आप यहाँ पर डेटाबेस सपोर्ट लाइब्रेरी को ऑफ कर सकते हैं, फिलहाल डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करेगा। एक्टिव एक्स कंट्रोल के बारे में आपको पूछा जाएगा कि आपको एक्टिव एक्स कंट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर एक्टिव एक्स कंट्रोल को टिक कर देंगे तो सारे एक्टिव एक्स कंट्रोल जो है आपको सपोर्ट लाइब्रेरी में मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ और जैसे डॉकिंग टूल्स, डॉकिंग मतलब होता है यहाँ पर किनारे में चिपक जाना, और स्टेटस बार आदि और 3D कंट्रोल्स आदि जो दिख रहे हैं ऐसे टाइप के, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, आप इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद MFC स्टैंडर्ड के बारे में पूछा जाएगा और यहाँ से भी कुछ ऑप्शन आप सेलेक्ट करके जब फिनिश करते हैं तो आपको मेन फ्रेम और इस तरीके के जो फ्रेम है कौन सी आपकी हेडर क्लास होगी, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाती है। फिनिश करने पर आपका ये एप्लीकेशन ऐसा मैसेज आएगा इंफॉर्मेशन कि क्या क्या चीज़ें 3D कंट्रोल्स को ऐड किया गया है, इसमें ये चीज़ें ऐड की गई है, क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है, वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। प्रोजेक्ट लाइब्रेरी का नाम आएगा और आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट में आपको जो 3 तरीके के व्यू दिखाए जाएंगे, जैसे फाइल व्यू, रिसोर्स व्यू और क्लास व्यू, ये तीनों व्यू के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तीनों व्यू को आपको डायग्राम के साथ ऐसा दिखाना पड़ेगा। फाइल व्यू के अंदर एक चाइल्ड व्यू भी होता है, चाइल्ड व्यू में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सॉरी चाइल्ड व्यू नहीं, चाइल्ड व्यू नाम का CPP बना हुआ है और उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस और माइनस पे क्लिक करके, तो ये फाइल व्यू आपका दिख रहा है। इस तरीके से उसके अंदर आपको कोड मिलेगा। क्लियर है? रन करने पर कुछ ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस और उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको एक बार देखें, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं।